हेलो बच्चों बच्चों, आज मैं करवाऊंगा रिवीजन हमारे टर्म वन में आने वाले कैश बुक चैप्टर का। ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर है बहुत आसान। तो आज हम क्रिस्प मैनर में पूरा रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं, और मैं आपको बुक से भी सारी चीज़ें ग्लिम्स दिलवाऊंगा कि जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या बातें हमें कैश बुक के बारे में पता होनी चाहिए। तो जो ये हमारा चैप्टर है कैश बुक का, ये है तो वैसे सबसे सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर। इसके अंदर हमें क्या क्या बातें पढ़नी होती हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, एक तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो डिस्कशन है वो हमारा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम चैप्टर को मान लेते हैं कि इसमें हमको चार बातें डिस्कस करनी है। तो एक हम सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, या इसके बारे में देखेंगे। एक हम सीखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसमें क्या बातें होती हैं। एक हम सीखेंगे पढ़ेंगे कि पेटी कैश बुक क्या होती है इस चैप्टर के अंदर, और इसके अलावा भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ छोटे मोटे डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द डिस्कशन, ठीक है। तो पहले भूमिका बना लेते हैं कि ये चैप्टर आखिर है क्या, ये चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है, और इसके अंदर बातें ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये क्या होंगी, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत जो होती है वो बेसिकली, वैसे तो अब बस आप मत लिखना, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया था लेजर का, बस वहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है। लेजर के अंदर आपको याद होगा कि आपने अलग अलग तरह के टी शेप अकाउंट्स बनाए थे, है ना। एक बार फटाफट से क्विकली मैं बता देता हूँ, याद दिलवा देता हूँ। इस तरह से आपने बड़ा सा एक टी शेप अकाउंट बनाया था, और उस बड़े से टी शेप अकाउंट के अंदर आप कहते थे कि लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, है ना। ये था, लेफ्ट साइड के अंदर भी कुछ कॉलम हुआ करते थे, राइट साइड के अंदर भी कुछ कॉलम हुआ करते थे, और ये हमारा इस प्रकार से एक अकाउंट बन जाया करता था। अब उसी लेजर को जब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शनों के लिए सीमित कर दिया, तो हमने उस लेजर का नाम दे दिया, मैं इसको लेजर हटा देता हूं, उस लेजर का नाम हमने दे दिया कैश बुक। तो कैश बुक को पढ़ते समय आप अपने मन में बिल्कुल ये सोचना कि हम लेजर अकाउंट ही बना रहे हैं, बिल्कुल ये सोचना है आपको कि हम एक लेजर अकाउंट ही बना रहे हैं जिसके अंदर हमें कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शनें रिकॉर्ड करनी है। किससे जुड़ी हुई ट्रांजेक्शनें रिकॉर्ड करनी है? कैश से, नकद से, ठीक है ना। तो मैं आपकी छोटी छोटी अभी भूमिका बना रहा हूँ कि कैश बुक जो है वो बिल्कुल लेजर की तरह होती है, या इनफैक्ट लेजर का ही रूप होती है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड रहती है सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शनों से, ठीक है। अब इसमें जो नियम होता है वो भी बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास कैश आया, तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि हमारे पास पैसे कब आएंगे, है ना। इतनी तो बुद्धि हम रखते हैं कि पैसे आएंगे कब। तो अगर हमारे पास पैसा आया, यानी कि कैश आया, तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर हमारा पैसा गया, यानी कि इतनी तो बुद्धि हम रखते हैं कि कब हमारे पैसे जाएंगे या जा रहे हैं, हम पैसे पे कर रहे हैं, तो अगर हमारा पैसा गया तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मतलब एक बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ पूरे चैप्टर में यही लॉजिक चलेगा कि पैसा आया तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसा गया तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे, हम अपनी कैश बुक को बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर वेराइटीज़ होती हैं, वो धीरे धीरे अभी मैं आपको दिखाऊँगा आगे कि क्या वैरायटीज होती हैं, कि भाई सिंगल कॉलम भी होगी, डबल कॉलम भी होगी, फिर एक बड़ी स्पेशल तरह की पेटी कैश बुक वाली भी होगी,
और कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे, ठीक है ना। बट बेसिक इंट्रोडक्शन इज दिस कि कैश बुक एक प्रकार का लेजर ही है, जैसा कि आप देख रहे हो उसका ढांचा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी सुनना, और इसमें आपको जब पैसा आता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, जब पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि ये किस तरह से चीजें रहती हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले सिर्फ अभी आपके साथ कुछ फॉर्मेट्स डिस्कस करूंगा, पहले आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाना मेरा उद्देश्य है, और फिर मैं आपको एक सवाल के जरिए कोशिश करूंगा कि अपनी सारी बातों को सम अप करके दिखाऊं। तो मैंने एक डेमो पर्पस के लिए एक कैशबुक का सिंगल कॉलम कैशबुक जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करी है। लेफ्ट साइड में आप देखो डेबिट लिखा है, पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम है एलएफ का, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, ये बेकार होता है वैसे तो, और चौथा कॉलम है अमाउंट का। इसी तरह राइट साइड में भी पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम है एलएफ का यानी लेजर फोलियो का जो बेकार है, और चौथा कॉलम है अमाउंट का, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैशबुक जो होती है इट इज लेजर ओनली, अगर आप फॉर्मेट देखोगे ये एक लेजर का ही फॉर्मेट है। अब इसको सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं? इसको सिंगल कॉलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रुपी का सिर्फ एक ही कॉलम है, मतलब एक ही कॉलम का मतलब है डेबिट साइड में भी एक ही कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी एक ही कॉलम है। हम इसमें सिर्फ अपनी कैश वाली ट्रांजेक्शनें रिकॉर्ड करते हैं, कैश को हिंदी में कहते हैं नकद, है ना। तो हम इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी कैश वाली ट्रांजेक्शनें ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए इसको सिंगल कॉलम कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम रुपी का सिर्फ एक कॉलम बनाते हैं, डेबिट में भी एक कॉलम, क्रेडिट में भी एक कॉलम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब चलता हूं दूसरे फॉर्मेट की तरफ दिखाने के लिए। सिर्फ दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक का। अब इसमें डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक में क्या अंतर होगा, अब देखो ध्यान से। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड के अंदर पहला कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर एलएफ यानी कि लेजर फोलियो का जो वैसे कम काम का होता है, लेकिन इस बार डेबिट साइड में दो दो रुपी के कॉलम है, दो दो कॉलम है रुपी के, दो दो कॉलम है। क्या क्या? एक कॉलम है कैश का और एक कॉलम है बैंक का, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे दो दो रुपी के कॉलम है, मतलब डेबिट साइड में भी दो और क्रेडिट साइड में भी दो, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ और कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। तो इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, यानी कि इसमें रुपी के दो दो कॉलम्स होते हैं डेबिट में भी क्रेडिट में भी, एक कॉलम कैश कॉलम, एक कॉलम बैंक कॉलम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या अंतर होता होगा सिंगल कॉलम के अपेक्षा में, इसमें क्या अंतर होता होगा? इसमें ये अंतर होता है कि हम इसमें नकद वाला यानी कि कैश वाला ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करते ही हैं और साथ ही साथ अपने बैंक वाली ट्रांजेक्शनें भी रिकॉर्ड करते हैं। अब बैंक वाली ट्रांजेक्शनें क्या होती हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में और अभी समझाऊंगा, हालांकि सिंपल कहानी अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। तो इसके अंदर दो दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश का कॉलम भी होता है और एक बैंक का कॉलम भी होता है, यानी कि इसमें हम दो प्रकार की ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक कैश वाली ट्रांजेक्शन है और एक बैंक वाली ट्रांजेक्शन है। अब ब्रीफ में समझते हैं कि आखिर ये कैश और बैंक होते क्या हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक सिंपल सी कहानी सुनाते हैं आपको, आई होप उससे आपको समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। हर बिजनेस के पास कुछ पैसे होते हैं जो उसके ऑफिस में रखे होते हैं या जो कैश की फॉर्म में होते हैं। कैश का मतलब है, मान लेते हैं इनके पास यहाँ ऑफिस में दो दो हजार के चार नोट रखे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे कि दिस इज कैश। इनके पास कितना कैश है? 8,000 रुपए का कैश है। तो कैश का मतलब होता है जो नोटों के फॉर्म में हो, क्वाइंस के फॉर्म में हो, जो आपके ऑफिस में दफ्तर में रखा होता है। बिजनेस के पास कैश जो होता है उसे हम बोलते हैं कैश। लेकिन धीरे धीरे जब पैसा बढ़ना शुरू होता है, पैसा बढ़ना शुरू होता है, और आपके अपने घर में भी आपने देखा होगा जब बहुत सारे पैसे होने शुरू हो जाते हैं, तो आप सारे पैसे अपने घर में नहीं रखते हो, आप भी अपने कई पैसे, आपके माता पिता भी अपने काफी पैसे बैंकों में जमा करवा देते हैं। इसी तरह बिजनेस भी करता है,
बिजनेस कहता है कि इतना सारा पैसा हो गया मेरे पास, अब मैं सारा अपने पास कैश में तो नहीं रख सकता, तो बिजनेस अपना कुछ पैसा किसी बैंक में जमा करवा देता है। मान लेते हैं बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो कई बार बिजनेस के पास कुछ पैसे होते हैं, वो अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा कर देता है। मान लेते हैं कितने रुपए जमा करे, ऐसे ही कुछ उदाहरण ले लेता हूं, 10,000 रुपी। तो नाउ दिस 10,000 इज नोन एज बैंक बैलेंस, इसको हम बोलते हैं दिस इज आवर बैंक बैलेंस। तो अब हमारी जो भी ट्रांजेक्शनें कैश वाली होंगी, कैश वाली का मतलब मैं इधर सर्कल बादल बना देता हूं, जो भी ट्रांजेक्शन कैश से संबंधित होंगी उन्हें मैं कैश ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, और जो भी ट्रांजेक्शन मेरे बैंक बैलेंस से संबंधित होंगी उन्हें मैं बैंक ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं। तो इसका मतलब बिजनेस की दो प्रकार की ट्रांजेक्शनें हो सकती हैं, एक कैश वाली ट्रांजेक्शन है और एक बैंक वाली ट्रांजेक्शन है। और डबल कॉलम कैश बुक का यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसके अंदर हम कैश वाली ट्रांजेक्शनें भी रिकॉर्ड करते हैं और इसके अंदर हम बैंक वाली ट्रांजेक्शनें भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक इंट्रो कि दो तरह की कैश बुकों के फॉर्मेट क्या होते हैं। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक ऐसी वाली, और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक ऐसी वाली। चलो अब हम पहले इन दोनों से संबंधित कुछ छोटी सी जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने दो चीजें सीख ली, सिंगल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। तो इसी से एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती है ये सिर्फ हमारे डबल कॉलम वाले कैश बुक में ही रेलिवेंट होती है। इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों। हमारे लिए दो तरह की एंट्रीज या दो तरह की ट्रांजेक्शंस को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। लॉजिक क्या है वो ब्रैकेट में लिखता हूं। लॉजिक ये है, जब किसी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा कैश और बैंक दोनों ही अफेक्ट हो रहा हो तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से बुलाते हैं। अब वो दो ट्रांजेक्शनें क्या हैं पहले लिखता हूं, फिर साथ में समझाऊंगा। पहली ट्रांजेक्शन हो सकती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब है कि ये हमारा बिजनेस है मान लेते हैं, और ये हमारा बैंक है आईसीआईसीआई जो हमने एग्जाम्पल लिया था। तो कई बार हम अपने बिजनेस से पैसे निकाल कर या बिजनेस के पैसे को बैंक में जमा कराते हैं। जैसे आप अपने घर में भी, आपके शायद माता या पिता घर से पैसे लेके जाते हैं और बिजनेस बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो मेरे एरो को बड़े ध्यान से देखना कि हमने बिजनेस से पैसा जो है वो कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारा कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रकार से अगर आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के नजरिए से सोचो, एक प्रकार से हमारे कैश में से कम हो रहा है क्योंकि अब वो कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है, और हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। तो एक ही ट्रांजेक्शन में हमारा कैश और बैंक दोनों जब प्रभावित होते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से पुराते हैं। तो वन ऑफ द कॉन्ट्रा एंट्री इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने अपने कैश को बैंक में जमा करवाया, तो इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत ही सिंपल है, अकाउंटिंग इक्वेशन के लॉजिक से भी आप सोच सकते हो। दूसरी दूसरी ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसका मतलब है आपने कैश को बैंक में से निकाला, इसका मतलब होता है आपने कैश को बैंक में से निकाला। तो मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा आईसीआईसीआई बैंक है, तो इस बार आप बैंक में से पैसे निकाल रहे हो, इस बार आप बैंक में से कैश को निकाल रहे हो। जैसे होता है ना, आप घर में भी होते हो तो मम्मी कहती है जाओ बैंक, जाओ बैंक से पैसे निकालो, या एटीएम जाओ एटीएम से पैसा निकाल के लाओ। तो आप अपने क्या करते हो, इसका मतलब आप अपने बैंक में से पैसा निकालते हो, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है,
लेकिन आपके बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हमारा कैश जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन में हमारे कैश और बैंक दोनों प्रभावित हो रहे होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो आपके लिए मजेदार बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही तरह की ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के अंदर हमारा कैश और हमारा बैंक अफेक्ट होता है। तो या तो अपने कैश को डिपॉजिट करोगे बैंक में, या अपने बैंक में से कैश को विड्रॉ कर लोगे। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और इसको डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, और इसका एक सिंबल होता है। इसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी सिंबल बनाने का मतलब होता है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री याद रखनी है कि दो तरह की होंगी, या तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करा, पहला वाला डायग्राम, या फिर आपने बैंक से कैश को विड्रॉ करा, दूसरा वाला डायग्राम, है ना। तो ये मैं आपको भी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा अभी। तो दिखा दूं? हाँ सर, एक बार दिखा दो। तो देखो, जो डबल कॉलम कैश बुक का मैंने आपको एक डेमो सा दिखाया था, तो उसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर एक सी का सिंबल दिख रहा होगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये जितने भी आप ट्रांजेक्शन में एलएफ के कॉलम में सी का सिंबल देखते हो, ये सब कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। और अब मैं आपको इन दो कॉन्ट्रा एंट्रीज को यहां पर दिखाता हूं। दोनों की दोनों कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर आ रही हैं। जो पहली वाली कॉन्ट्रा एंट्री है उसको मैं रेड रंग से ब्लॉक बना रहा हूं, ये 5000 वाली। अगर आप देखो, इसका इफेक्ट दोनों कॉलमों में आ रहा है। डेबिट साइड में बैंक कॉलम के अंदर आ रहा है अगर आप देखो, और क्रेडिट साइड में कैश कॉलम के अंदर आ रहा है। देखो, इसका मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसी तरह दूसरी वाली भी दिखाता हूँ ग्रीन कलर से। दूसरी वाली कॉन्ट्रा एंट्री है ये 2000 रुपये की, ये 2000 रुपये की। तो अगर आप इस 2000 रुपये वाली कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान से देखोगे तो डेबिट साइड में ये कैश अकाउंट या कैश के कॉलम में आ रहा है, और क्रेडिट साइड में ये बैंक के कॉलम में आ रहा है। यानी कि ये हरे रंग वाला 2000 भी कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ के चलना, वो ट्रांजेक्शन जो हमारे कैश को और हमारे बैंक को दोनों को अफेक्ट करती हैं उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, और उसका सिंबल होता है सी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है चेक्स को लेकर। तो चेक्स तो आप सभी को पता होते हैं कि क्या होता है ना। चेक तो आपने देखे भी होंगे प्रैक्टिकली, चेक्स को लेकर। अब कभी भी जब हमें चेक मिलता है, यानी कि अंग्रेजी में लिखता हूं कि हमें चेक रिसीव होता है, तो चेक के रिसीव होने पर हमारे साथ दो बातें हो सकती हैं। उन दो बातों के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, इसीलिए ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला पॉइंट बन जाता है। जब हमें चेक रिसीव होता है, मान लो मुझे किसी ने चेक दिया, तो हो सकता है वो चेक मैं अपनी जेब में रख लूं और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन के बाद जाके वो बैंक में जमा करूं, है ना। लेकिन कभी कभी जब मुझे किसी से चेक मिलता है तो मैं सेम डे पर ही जाकर उसको बैंक में जमा कर देता हूं। तो यानी कि चेक रिसीव्ड के बाद अगर मैं दो केसेस अलग अलग बनाऊं, तो एक केस बन सकता है डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, यानी कि मैंने चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, समझ रहे हो बात। और दूसरा केस बन सकता है डिपॉजिटेड लेटर, बाद में करा, अगले दिन करा, कल करा, परसों करा, नरसों करा, तरसों करा, कभी भी करा, लेकिन सेम डे नहीं करा। तो बच्चे को कई बार ये लगता है, सर इससे क्या फर्क पड़ता है, आज करो चाहे कल करो, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या दिक्कत है। नहीं, दिक्कत है, हमारी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है, हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? तो मैं पहले आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूं और फिर मैं उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर मैं पहले जर्नल एंट्री लिखूं, तो जब हमें चेक मिलता है और हम सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं,
तो उस केस में हम अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं हमारे बैंक में पैसा आ गया, उस केस में हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। लेकिन जब मुझे चेक मिलता है लेकिन और मैंने अभी डिपॉजिट नहीं करा, वो मेरी जेब में रखा हुआ है, मान लो एज्यूम करो मुझे चेक मिला और वो मेरी जेब में रखा हुआ है या मेरे हाथ में है, अभी मैंने जमा नहीं करा है, मान लो मेरे हाथ में चेक है, तो उस केस में मैं बैंक को डेबिट नहीं करता, उस केस में मैं चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करता हूँ। हमारी अकाउंटिंग बदल जाती है, ध्यान रखना। तो इसीलिए जब भी चेक मिलेंगे हमें, हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि उस चेक को हमने सेम डे पर डिपॉजिट करा है या उस चेक को हमने अगले दिन या बाद में कभी डिपॉजिट करा है। अगर सेम डे डिपॉजिट करा है तो ध्यान रखना हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और अगर अभी वो चेक हमने जमा नहीं करा हमारे हाथों में है तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो ये हमारा फर्क हो जाता है। बाकी किससे चेक मिला, मान लो हमें चेक मिला राजू से, तो टू राजू वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टू राजू। तो इसीलिए चेक के मिलने पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी जब डिस्कस करूंगा। अगर वो चेक हमें सेम दिन मिल जाएगा तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री के हिसाब से, और अगर वो हमको चेक सेम दिन मिलने पर डिपॉजिट नहीं करा अभी हमने, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करते हैं। अभी तक हमारा चेक हाथों में है, चेक इन हैंड हाथों में है, बैंक में जमा हमने नहीं करा। और जब आप उसको बैंक में जमा करने जाते हो, यानी कि एंड जब आप उस चेक को बैंक में जमा करने जाते हो जिस दिन, उस दिन फिर आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, उस दिन बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, और जो हमारा हाथों का चेक है यानी चेक इन हैंड, अब वो हमारा खत्म हो जाता है, यानी कि उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जब हमें चेक मिलता है और हम उसको बाद में जमा करते हैं तो राइट साइड वाली जर्नल एंट्रीज हो रही होती हैं कॉन्सेप्चुअली, और लेकिन अगर हमें चेक मिलता है और हम सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड वाली ही एक जर्नल एंट्री हो रही होती है कॉन्सेप्चुअली। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटिंग टू चेक। तो जब भी हमें चेक रिसीव होगा तो आप किस बात का ध्यान रखोगे कि क्या वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो आप चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करोगे, और बाद में जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तब उस दिन बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बड़ा ही स्पेशल फॉर्मेट दिखाना है आपको। कभी कभी आपके पास इतना बेशुमार पैसा हो जाता है कि आप अपने पैसे को एक बैंक में रखने में डरते हो, आपको लगता है कि अगर मैं एक ही बैंक में पैसा रखूंगा तो पता चला वो बैंक डूब गया तो मेरा तो सारा पैसा ही डूब जाएगा, तो आप अपने पैसे को भी दो बैंकों में रख लेते हो। प्रैक्टिकली तो हो सकता है तीन में रखो चार में रखो, लेकिन हमारे 11th के दायरे में दो बैंकों में भी आप अपने पैसे को रख सकते हो। तो एक सवाल हमारी किताब में भी है, उसमें उस व्यक्ति ने दो दो बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। वाह, मतलब अगर आप देखो तो उसने दो दो बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं, उसके बैलेंसेस जो हैं दो दो बैंकों में हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है और एक पंजाब नेशनल बैंक में भी है, मतलब उसके बैंक भी दो हैं, ऐसा है। तो ये इसमें बड़ी स्पेशल चीज हो जाती है। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति डबल कॉलम कैशबुक बना रहा हो। देखो ये है डबल कॉलम कैशबुक, इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शन और बैंक वाली ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होंगी, कैश वाली ट्रांजैक्शन और बैंक वाली ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होंगी, लेकिन साहब ने बैंक अकाउंट दो दो बैंकों में खुलवा रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से कॉलम को देखो, और इतना आप जानते होंगे, सब कॉलम बना रखा है, पहला सब कॉलम है SBI बैंक का और दूसरा सब कॉलम है PNB बैंक का, यानी बैंक के कॉलम के अंदर भी दो सब कॉलम्स बन गए, SBI बैंक का अलग, PNB बैंक का अलग। हाँ, फंडे सेम रहेंगे, फंडा नहीं बदलेगा। फंडा जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था उसको बिल्कुल कसम खा के हाथों पे टैटू बनवा के रखना याद। वो क्या है कि लॉजिक वही है कि अगर पैसा आएगा, पैसा आया, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पैसा आया तो आप डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करोगे,
लॉजिक वही चलेगा, चाहे दो बैंक अकाउंट हो, चाहे 10 बैंक अकाउंट हो, चाहे 1000 बैंक अकाउंट हो। और अगर पैसा गया तो आप क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करोगे, लॉजिक विल रिमेन सेम। हाँ, कॉलम की संख्या बढ़ रही है बच्चे को डराने के लिए, एक कैश का कॉलम भी आ गया, एक बैंक का कॉलम भी आ गया, बैंक के अंदर भी दो दो कॉलम आ गए, SBI बैंक अलग आ गया, PNB बैंक अलग आ गया, पर लॉजिक इज सेम। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमसे क्वेश्चन बोले कि एक आदमी के दो दो बैंक अकाउंट हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक और एक SBI बैंक, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी हम कर लेंगे, लॉजिक विल रिमेन सेम। अब आता हूं साहब आपके साथ में पेटी कैश बुक के फॉर्मेट पे। पेटी कैश बुक क्या होती है कहानी, अभी आपको पहले वो समझाते हैं, फिर उसके फॉर्मेट पर चर्चा करेंगे। अब किसी कंपनी के अंदर बच्चों एक कैशियर होता है, ये कंपनी है, ये कंपनी का कैशियर है। कैशियर का काम होता है कैश को संभाल के रखना, पैसे को संभाल के रखना। अब इसके पास खूब सारे पैसे होते हैं, पैसे 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 पैसे। अब लोग इसे परेशान करते रहते हैं, एक मजदूर आके कह रहा है लाओ मुझे 10 रुपए दे दो मुझे जरा वहां बाजार जाना है, कोई आदमी कह रहा है लाओ मुझे 2 रुपए दे दो मुझे पेंसिल खरीदनी है, एक आदमी आके इसको कह रहा है लाओ मुझे 10 रुपए दे दो मुझे स्टेपलर खरीदना है, एक आदमी कह रहा है कि लाओ मुझे 100 रुपए दे दो मुझे पोस्टेज स्टैम्प खरीदना है। तो ये कहता है मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, क्या करूं मैं, लोग छोटे छोटे खर्चों के लिए मेरे को परेशान कर रहे हैं, छोटे खर्चे के लिए मेरे को परेशान करते हैं। तो बड़ा कैशियर सोचता है कि ये रोज रोज इस तरह से मेरे से रोज 100 लोग पैसे लेने आएंगे, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो इसने एक स्टाइल बनाया, इसने एक नियम बनाया, क्या बनाया, इसने एक छोटा कैशियर रखा, यह है छोटा कैशियर। इसने छोटे कैशियर को कहा कि देख मैं महीने की स्टार्टिंग में, मतलब मान लेते हैं 1 तारीख को, मान लेते हैं 1 जुलाई का महीना चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसने बोला छोटे कैशियर को कि देख मैं तेरे को ना 1 तारीख को हर महीने 1000 रुपए दूंगा, ये तू अपने पास रख। और पूरी कंपनी में ऐलान कर दिया कि जिसको भी छोटे खर्चों के लिए पैसा चाहिए ना वो मेरे पास मत आना, अब मैं बड़े कैश संभाल रहा हूँ, मेरे को लाखों रुपए करोड़ों रुपए संभालने में 10-20 रुपए का खेल नहीं खेलूंगा, जिसको भी ये 50, 60, 100 रुपए, 70 रुपए ये सब चाहिए अब जाके छोटे कैशियर से लेना। तो छोटा कैशियर जो है वो ये छोटे मोटे खर्चे करता रहता है, 10 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए खर्च कर दिए, 40 रुपए, मतलब जो भी हुए, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, छोटे 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 खर्चे ये छोटा कैशियर करता रहता है पूरे महीने पूरे महीने। फिर महीने के एंड में, ये बड़े कैशियर को कहता है कि बड़े बड़े मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए हैं, मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए हैं और अब मेरे पास सिर्फ 900 रुपए बचे हैं बैलेंस, अब मेरे पास सिर्फ 900 रुपए बचे हैं। अब अगला महीना शुरू होने वाला है, कल से 1 अगस्त हो जाएगी और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए बचे हैं। तो बड़ा कैशियर क्या करता है, बड़ा कैशियर कहता है ठीक है ये ले मैं तेरे को 100 रुपए और भेज रहा हूँ, तो अब तेरे पास 1000 रुपए फिर हो गए, अब तू अगस्त का महीना दोबारा से चलाता रहे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कंपनी के अंदर जो बड़ा कैशियर होता है वो छोटे खर्चों की जिम्मेदारी छोटे कैशियर की लगा देता है, वो खुद सिरदर्दी नहीं लेता, इस कॉन्सेप्ट को समझो। और छोटा कैशियर पूरे महीने छोटे 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 खर्चे करता रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया, दिस इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम, ये इसका नाम है, वैसे इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब आपने बड़े कैशियर वाली कैश बुक तो देख ली, बड़ा कैशियर कैश बुक बनाता है वो तो आपने देख लिया, डबल कॉलम भी, सिंगल कॉलम भी, कॉन्ट्रा एंट्री भी, चेक वेक भी, ये वो सब कुछ हो गया। छोटा कैशियर क्या बनाता है, छोटे कैशियर ने ये जो खर्चे करे, क्या सर इसकी वो कोई किताब बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा, छोटा कैशियर है तो वो छोटी किताब बनाएगा, उसकी किताब का नाम होता है पेटी कैश बुक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पेटी कैश बुक का, ये बेसिकली यहां से जन्म लिया कि छोटा कैशियर जो है वो छोटे मोटे खर्चों की एक अलग किताब बनाता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको पेटी कैश बुक का, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। आइए जी, तो अब मैं आपको दिखाऊं
पेटी कैश बुक दो प्रकार से बनाई जा सकती है। एक को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका, आप सिर्फ देखना फॉर्मेट, बाकी आराम से बैठना। ये देखो, 1 अप्रैल की तारीख है, 1 अप्रैल की तारीख है, मतलब महीने का पहला दिन, महीने का पहला दिन। अमाउंट रिसीव्ड, पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, मतलब बड़े कैशियर से कितने रुपए मिले, 5,000। तो 1 तारीख को बड़े कैशियर से 5,000 रुपए मिल गए, अमाउंट रिसीव्ड 5,000 1 तारीख को। अब उसके बाद पूरे महीने ये खर्चे करता रहेगा, छोटा कैशियर पूरे महीने खर्चे करता रहेगा। ये देखो, 3 तारीख को पोस्टेज का खर्चा, अमाउंट पेड, ये देखो लास्ट कॉलम अमाउंट पेड 300 रुपए। 5 तारीख को टेलीफोन का खर्चा 400 रुपए। 8 तारीख को कार्टेज का खर्चा 140 रुपए। 9 तारीख को पोस्टेज का खर्चा 200 रुपए। 12 तारीख को सन्ड्री खर्चे 100 रुपए। 27 तारीख को स्टेशनरी का खर्चा 300 रुपए। और 30 तारीख को महीने के आखिरी दिन उसने बता दिया बड़े कैशियर को, देखो 30 अप्रैल को कह रहा है बड़े कैशियर को, बैलेंस 3,560 रुपए बच गए हैं मेरे पास, बस ये बता रहा है बड़े कैशियर को कि मेरे पास 3,560 रुपए बच गए हैं बस। तो अब देखो, अगले महीने 1 मई, अगले महीने 1 मई बड़ा कैशियर कह रहा है ठीक है तेरे पास 3,560 रुपए बच गए ना, मैं तुझे 1,440 रुपए और दे रहा हूं, ये ले, अब तेरे पास दोबारा 5,000 हो गए। मतलब ऐसे ये कहानी चलती रहती है, वो तो खैर सवाल में इतना खत्म हो गया, लेकिन हर महीने कहानी चलती रहेगी। तो बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को महीने की पहली तारीख को कहता है कि मैं तेरे बस 5,000 रुपए तेरे पास कर दूंगा, अब तू खर्चे करता रहे करता रहे करता रहे। तो इस तरह की कैश बुक को हम पेटी कैश बुक कहते हैं, ये इसका फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। और दूसरी तरह की पेटी कैश बुक, उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। दूसरी तरह की पेटी कैश बुक होती है साहब एनालिटिकल पेटी कैश बुक, उसका नाम है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम सिर्फ एक अलग काम कर रहे होते हैं, जो है तो वैसे वाहियात काम जो प्रैक्टिकली होता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे को परेशान करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। पहले इसमें महीने की पहली तारीख को अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, सेम लॉजिक वही। उसके बाद खर्चे होते रहते हैं 50 रुपी, कार्टेज का 250 रुपी, पोस्टेज का 500 रुपए, वेजेस का 600 रुपए, ऐसे खर्चे खर्चे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे, खर्चे खर्चे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे, देख रहे हो ना, मैं टिक लगा रहा हूँ ऐसे, ये खर्चे होते रहेंगे महीने भर। लेकिन इसमें एक अलग काम ये हो रहा है कि इसमें हर खर्चे का भी एक कॉलम अलग से बना रहे हैं। अब आप देखो थोड़ा सा आगे, कॉलमों की बाढ़ आई हुई है, कितने कॉलम अभी दिखाऊंगा, देखो काले रंग से या लाल रंग से ब्लॉक बना के। खर्चे का नाम कन्वेंस, तो यहां पर कन्वेंस वाला खर्चा लिख दिया, जब जब भी कन्वेंस का खर्चा हुआ वो यहां पर भी लिख दिया अलग से। एक और खर्चे का नाम लिख दिया कार्टेज, तो कार्टेज के जब जब भी खर्चे हुए खर्चे कार्टेज वाले कार्टेज के कॉलम में भी लिख दिए। एक और खर्चे का नाम लिख दिया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के खर्चे जब जब भी हुए तब तब स्टेशनरी के खर्चे में उसका भी नाम लिख दिया। इसी तरह पोस्टेज, एक और खर्चा उसका भी कॉलम बना दिया, तो जब जब पोस्टेज का खर्चा हुआ वो भी लिख दिया। इसी तरह रिपेयर्स, जब जब रिपेयर्स का खर्चा हुआ वो भी लिख दिया। इसी तरह टेलीफोन एक्सपेंसेस, मतलब समझ रहे हो ना बात, लॉजिक, खर्चों के भी अलग अलग कॉलम बना दिए। तो सिंपल पेटी कैश बुक तो कहती है कि भैया सिंपल, ये तो कह रही है सिंपल, खर्चों के अलग कॉलम नहीं बनाने, सिंपल। एनालिटिकल कह रही है कि नहीं, खर्चों के भी अलग कॉलम बनाओ, तो यानी हर खर्चे का भी अपने आप में एक अलग कॉलम। बच्चा बेहोश हो जाता है एग्जाम में, हर खर्चे का अलग कॉलम, खर्चा कॉलम, तो इसको बोल दिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लेकिन खैर आपको तो अभी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्चुअल रिविजन अगर करें हम, तो देखो मेरी बात, पेटी कैश बुक चाहे सिंपल हो चाहे एनालिटिकल हो, पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि महीने की पहली तारीख को छोटे कैशियर को मिलेगा पैसा, ये मिल गया 5,000,
उसके बाद वो महीने भर खर्चे करता रहेगा, खर्चे करता रहेगा, खर्चे करता रहेगा और बैलेंस बच जाएगा, दैट्स इट। अब अगर सिंपल बनानी होगी तो ऐसे बनाएंगे, और एनालिटिकल बनानी होगी तो ऐसे बनाएंगे। कॉन्सेप्चुअल रिविजन है ये। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करते हैं, छोटा सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। अब आप ये देखो कि ये है हमारा बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, और ये है हमारा बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट करे, यानी बैंक में मैंने पैसे डाले 10,000, और कुछ दिनों बाद मैं बैंक से विड्रॉ करके लाया 3,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो फटाफट मुझे अपना आंसर भेजना, बताओ मेरे बैंक में क्या बैलेंस बचा होगा। वॉट इज माई बैंक बैलेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और लॉजिकली भी सोच सकते हैं। बैंक में सबसे पहले हमने बैंक में पैसे जमा करे 10,000, वो डिपॉजिट हो गया, बैंक से हमने 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस को, 7,000। परफेक्ट है ना, हर कोई बच्चा यही बोलेगा, परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट करूंगा, वही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अब वो क्या है ट्विस्ट, अगर मान लो इसी कहानी में मैं बोलता कि हमने डिपॉजिट करे हैं 10,000 बैंक में, और बैंक से विड्रॉ करे हैं 13,000, और ऐसा बैंकों में हो जाता है, ऐसा बैंक आपको सुविधा देता है कि आप डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 पर आपने विड्रॉ कर लिया 13,000, और अब मैं आपसे अगर फिर पूछूं कि आपका बैंक बैलेंस आपका कितना है, नाउ व्हाट विल बी योर आंसर, अब क्या आंसर होगा कॉन्सेप्चुअली। वेरी वेरी गुड। तो ये है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। आंसर हम ये तो नहीं कहेंगे कि -3,000 है या -3,000 लिखेंगे एग्जाम में, नहीं, आंसर में आप कहोगे कि ये 3,000 जो है, ये हमारा जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये पता होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो इस बैलेंस को, 3,000 बैलेंस को हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब जो है वो एक क्वेश्चन आप भी अपनी किताब में मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और फॉर प्रैक्टिस, और मैं उसी की डिस्कशन आपके साथ करूंगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 होगा आपकी लेटेस्ट किताब के हिसाब से, और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पर फोकस करके मेरे साथ सुनना, बड़ी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे तो आपको सीधी सीधी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रिपेयर ए 2-कॉलम कैश बुक, 2-कॉलम वाला हमको कैश बुक बनाने को बोल रहा है। तो 2-कॉलम का मतलब हो गया कि कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शनें हमें इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। 1 अप्रैल को उसने बोला कैश इन हैंड 1,200 और ओवरड्राफ्ट एट बैंक 15,000, यानी कि जो मैंने अभी अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा कि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, तो वो इस केस में है। तो हमारा कैश का बैलेंस है 1,200 रुपये और हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 15,000 रुपये। तो आपको सब बच्चों को सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। जो हमारा कैश का बैलेंस है उसको तो हम अपने डेबिट साइड पर प्रेजेंट करते हैं 1,200, पर क्योंकि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ध्यान रखना हर बच्चा, तो इसीलिए बैंक के बैलेंस को हमें क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना पड़ता है। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि बिकॉज बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो आपको इसीलिए उसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ कुछ ट्रांजेक्शन सिर्फ आपके साथ डिस्कस करनी है, जैसे कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को आप देख रहे हो कि बहुत सारी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। मैं ट्रांजेक्शन पर अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो हमारी मेन प्रैक्टिस का काम है। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उसमें जो मेरा फोकस है वो है 6 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन्स पर। 6 अप्रैल को लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 After allowing him discount 50, इसका मतलब ये है हमें राकेश से चेक मिला है 2450 का और हमने उसको 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो अब हमें चेक किस दिन मिला,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं 6 तारीख को। अब आप देखो उसके बाद पढ़ो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि लिंक करो आज वाले उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, मुझे चेक मिला है 6 तारीख को, ध्यान रखना मेरे हाथ में चेक है 6 तारीख को, लेकिन मैं उसको जमा कब कर रहा हूँ, डिपॉजिट कब कर रहा हूँ, 10 तारीख को। तो अब इसकी देखो मैं आपको अकाउंटिंग दिखाता हूँ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही होगी। ये देखो 6 तारीख को हमें अभी चेक मिला है, तो अभी हमारा बैंक जो है वो डेबिट नहीं होगा। 6 तारीख को हमारी बैंक में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। 6 तारीख को देखो सिर्फ जर्नल एंट्री कर रखी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2450, 50 रुपए, चलो डिस्काउंट अलाउड के थे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू राकेश, हमें ये चेक राकेश से मिला। तो देख रहे हो 6 तारीख को, मेन कॉन्सेप्ट इज दिस, 6 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करना है 6 तारीख को, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था। और इस चेक को हमने जमा कब करवाया, इस चेक को हमने जमा करवाया 10 तारीख को। तो अब देखो मैं आपको 10 तारीख को बैंक अकाउंट को डेबिट दिखाता हूं। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, ये देखो इधर डेबिट साइड में, देखो डेबिट साइड में 10 अप्रैल को टू चेक इन हैंड अकाउंट 2450। तो 10 तारीख को ये पैसे बैंक में डिपॉजिट होने आए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चेक मिल रहा है 6 तारीख को, डिपॉजिट हो रहा है 10 तारीख को। तो 6 तारीख को आपको जर्नल एंट्री करनी है, मतलब कि एक तरह से चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करना है, और 10 तारीख को ही आपको बैंक अकाउंट में डेबिट करना है, जैसा कि आप यहाँ कैश बुक में देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो इस तरह से ये एक मेन ट्रांजेक्शन हो गई। फिर मैं आपको एक कोई और ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री वाली, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो भी पॉइंट्स हैं छोटे मोटे वो आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि क्या कोई कॉन्ट्रा एंट्री भी है। जैसे 25 तारीख को मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000 रुपए। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था ना, इसका मतलब है कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ करा, तो हमारा इसमें कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारे बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे और हमारे कैश में पैसे बढ़ जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो मैं आपको 25 तारीख की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। 25 तारीख को जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप देखो, हमारे कैश में पैसे बढ़ गए, तो इसीलिए आप देखो एक तो सी का सिंबल बना हुआ है, याद आ गया सी का सिंबल, मतलब कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमारे कैश में पैसे बढ़ गए तो डेबिट साइड में कैश में आ गया, और बैंक में से पैसे विड्रॉ हो गए 25 तारीख को, तो बैंक में से देखो पैसे कम हो गए 3000, और फिर से वही देखो सी का सिंबल, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से कैश को निकाल रहे हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, सी का सिंबल बनेगा, और एक ही ट्रांजेक्शन में कैश भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री का पॉइंट हो गया। अच्छा अब लास्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मेन काम भी हो जाए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें जो एग्जाम में आता है वो क्या है, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। इस पर आप स्टार लगा लेना अपने सवाल के अंदर। वो हमेशा 30 तारीख को यानी महीने के आखिरी दिन एक लाइन दे देगा, डिपॉजिटेड विद बैंक, मतलब बैंक में डिपॉजिट करा, क्या डिपॉजिट करा, द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। इस लाइन का मतलब पहले समझो आप क्या होता है, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। वो ये कह रहा है कि हमने अपने ऑफिस में 2000 रुपए रिटेन कर लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे ऑफिस में, ये मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में पता है अभी कितने रुपए रखे हैं कैश, 25,300 रुपए रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो। अब मैंने सोचा यार इतने सारे रुपए ऑफिस में रखूंगा चोरी हो गई तो मैंने सोचा, जैसे कई बार हम भी तो सोचते हैं, हमें कई बार हम नानी के घर गए और हमें बहुत सारे पैसे मिल गए नानी के यहाँ से, तो कई बार ऐसा आप भी तो सोचते हो कि यार एक काम करता हूँ ज़्यादा पैसे हैं कहीं रास्ते में खो ना जाए, तो आप कहते हो चलो मैं एक नोट अपने पास रख लेता हूँ बस। तो आपने भी यही सोचा कि मैं 2000 का एक नोट अपने पास रख लेता हूँ और बाकी जो भी बैलेंस है बाकी सारा मम्मी को दे देता हूँ, मम्मी को देने का मतलब है बाकी सारा मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। तो मेरे एग्जाम्पल में
अगर मेरे पास 25,300 रुपये कैश है मान लो, और उसमें से आप 2,000 रुपये अपने पास रिटेन कर रहे हो यानी कि रोक रहे हो, तो बताओ कितने रुपए बैंक में जमा करवाओगे। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से आप कितने रुपए बैंक में जमा करवाओगे अगर मेरे पास 25,300 रुपये है मेरे एग्जाम्पल में, और 2,000 रुपये हम रिटेन कर रहे हैं अपनी जेब में, तो हम बैंक में कितने रुपए जमा कराएंगे? वेरी गुड, 23,300 रुपये। परफेक्ट। बस तो वो इस तरह की एक लाइन चिपका देगा लास्ट में, है ना। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह की लाइन का मतलब है कि हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने इसको एक नोट 3 के नाम से दे रखा है कि 8910 रुपए जमा कराए, 8910 रुपए जमा कराए इन्होंने। अब इन्होंने 8910 रुपए क्यों जमा कराए होंगे वो लॉजिक बताता हूं भाई। इनके पास जो पैसे बचे होंगे ना, इनके पास जो कैश बचा होगा वो पता है कितना बचा होगा? इनके पास जो कैश बचा होगा वो 25,300 नहीं बचा होगा, इनके पास जो कैश बचा होगा वो बचा होगा 10,910। ये इनके पास कैश बचा होगा। अब उसमें से अगर ये 2,000 अपने पास रिटेन करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 2,000 अपने पास रिटेन करेंगे, तो इसका मतलब ये बैंक में कितने डिपॉजिट कराएंगे, बस ये आपको निकालना पड़ता है। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये बैंक में कितने डिपॉजिट कराएंगे? 8910। तो हर सवाल में, एग्जाम में हो सकता है आपको लास्ट लाइन इस तरह की चिपका दे। तो इस लाइन का मीनिंग समझ लो, बस करना तो आसान है, मीनिंग समझ लो कि वो ये चाहता है कि 2,000 रुपये हम अपने पास रिटेन कर लें, यानी कि 2,000 रुपये हम अपने पास रोक लें, और जितने पैसे बच गए, जो भी बैलेंस बच गया, वो सारा हम बैंक में जमा करा दें। ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप जब क्वेश्चन ये ट्राई करोगे खुद से अपने आप, एक बार आप करके देखना होमवर्क में, एज होमवर्क, तो आपका खुद आंसर निकलेगा 8910, है ना। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखना। तो आप 8910 को बैंक में देखो जमा करा देते हो, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आपको इस आंसर में यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। और फिर देखो कैश में कितना बैलेंस बचा हुआ है, कैश में हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि हमने अपने पास ऑफिस में 2,000 रुपये ही रिटेन कर रखे हैं, बाकी सारा पैसा तो मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार बनवा दिया, और इसको जब आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को पूरे को, तो आपको अच्छे से सारी बातें समझ आ जाएंगी।